हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारदा। मोर टेस्टी फूड पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ अंगूर की जेली की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट है। इसे हम बिना अगर अगर बिना जिलेटिन के बनाएंगे, तो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये मैंने कांच के छोटे छोटे से बाउल लिए हैं, जिनमें हम जेली सेट करेंगे। उन्हें घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, जिससे जेली ईजिली डीमोल्ड हो जाए। कांच के बाउल की जगह हम स्टील के बोल भी ले सकते हैं। आज हम अंगूर से जेली बनाएंगे, तो उसके लिए ये एक बोल धुले हुए अंगूर लिए हैं। अंगूर गोल और लंबे दो वैरायटी के आते हैं। ये गोल वाले अंगूर हैं, जो काफ़ी मीठे हैं। इन्हें मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिना पानी डाले ऐसे ही पीसेंगे। अंगूर बारीक पीस चुके हैं, अब इन्हें हम छान लेंगे। तो उसके लिए एक बोल लिया है, उसके ऊपर छलनी रखेंगे और सारे अंगूर का पल्प हम छलनी में डाल लेंगे। अंगूर को छीलने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे आम को छीलने की ज़रूरत होती है। छान लेंगे तो इसका छिलका सारा ऊपर रह जाएगा। अंगूर का फ्रेश जूस निकालकर हम जेली बनाते हैं, तो वो जेली बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। पैकेट वाले जूस की जेली उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। अब ये चम्मच से दबा दबा कर सारा पल्प से जूस निकाल लिया है। अब इसे हटा देंगे, जो ऊपर ये छिलका बचा है। गैस के ऊपर कढ़ाई रख ली है। अब जो अंगूर का जूस हमने निकाला है, उसे कढ़ाई में डाल लेंगे। अब इसमें हम चौथाई कप चीनी डालेंगे। चीनी मैंने 6 चम्मच चीनी ली है, देखिए इस चम्मच से नाप कर, और आधा कप पानी डालेंगे। अंगूर काफ़ी मीठे हैं, तो इसलिए 6 चम्मच चीनी डाली है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी थोड़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और जेली थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी लगे, तो उसके लिए ये 2 पिंच ग्रीन फूड कलर है, इसे डाल देंगे। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, इसे हम स्किप भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और चीनी, पानी, अंगूर के जूस को अच्छे से पकने देंगे, जब तक हमारे शुगर सिरप में उबाल आ रहा है। तब तक हम कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर एक पतला सा घोल बना लेंगे। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और 2 चम्मच ही पानी डालेंगे। कॉर्नफ्लोर और पानी को अच्छे से मिक्स करके ये हमें लम्स फ्री बैटर बनाकर लेना है। अंगूर वाले शुगर सिरप में भी उबाल आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम स्लो करेंगे और जो हमने कॉर्नफ्लोर और पानी डालकर बैटर बनाया है, उसे एक बार फिर से मिक्स करेंगे। और एक हाथ से बैटर डालते जाएंगे और दूसरे से फटाफट से मिक्स करते जाएंगे। ये प्रोसीजर हमें बहुत फास्ट करना होगा। बैटर को कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर जो डाला है, उसकी वजह से बहुत जल्दी लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए हमें हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है और गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखनी है। मार्केट वाले जूस में प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, तो उसकी जेली उतनी स्वादिष्ट नहीं लगती। अगर हम फ्रेश जूस निकाल कर जेली बनाकर बच्चों को खिलाएंगे, तो वो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी जेली बनेगी। स्लो फ्लेम पर पकते हुए 8 मिनट हो चुकी हैं। अब हमारा बैटर जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, इसने अब कढ़ाई भी छोड़ दी है, तो इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। जो बोल हमने पहले से ही ग्रीस करके रखे हुए हैं, गरम गरम ही बैटर को हम बोल में डाल लेंगे, नहीं तो हमारा बैटर बहुत जल्दी सेट होने लगेगा। देखिए इस तरह से हम सभी बोल में बैटर डाल लेंगे। जेली वाले बैटर को बोल में डालने के बाद थोड़ा थोड़ा टैप कर देंगे, जिससे इसमें एयर बबल्स हों तो वो निकल जाएं। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे जेली अच्छे से सेट हो जाए। 2 घंटे बाद जेली फ्रिज से निकाल ली है, देखिए ये अच्छे से डीमोल्ड हो रही है। हम चाहें तो इसे नाइफ की हेल्प से भी किनारों को छुड़ाकर आसानी से डीमोल्ड कर सकते हैं। देखिए कितनी बढ़िया से हमारी जेली बनकर तैयार हुई है, और बच्चे तो इसे देख के खुशी से झूमने वाले हैं। जेली डीमोल्ड करने के बाद ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, यानी कि नारियल का जो बुरादा होता है उसे लिया है। उसमें जेली को अच्छे से कोट कर देंगे, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगी। इसी तरह सारी जेली हम बोल से डीमोल्ड कर लेंगे और नारियल के बुरादे में अच्छे से कोट करके सर्व करेंगे। जेली की रेसिपी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, तो मोर टेस्टी फूड को सब्सक्राइब करें। पास में जो बेल आइकॉन है, उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। जेली को पुदीने की पत्ती से गार्निश कर देंगे।
वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन है उसे प्रेस कीजिए। वीडियो को फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।